चलिए शुरू करते हैं। तो एलपीपी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एलपीपी का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। दो आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन कंफर्म है और कम से कम 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो सब लोगों को आता होगा एलपी एलपीपी, ठीक है। और जिसको नहीं भी आता हो तो मैं एक बार इंट्रो दे देता हूँ क्विक, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। देखो एलपीपी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ओआर टेक्निक्स का यूज करते हैं, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को कह देते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिकली जैसे इसके अंदर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये इक्वेशन है अपनी एक, ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 1 है, ठीक है। हर जगह पे मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ऐसी ही बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो उन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है, सॉल्यूशन करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं मेजरली, ठीक है। एक मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं, और दूसरा मेथड है सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स। अभी जो सिंप्लेक्स है ये नाम में सिंप्लेक्स है लेकिन है बड़ा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ग्राफिकल है, ग्राफिकल तो आता है देखो, ठीक है, ग्राफिकल भी आ सकता है और सिंप्लेक्स भी आ सकता है, और इन दोनों के बीच जहां तक है ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। और मैं प्रेफर करूंगा कि ग्राफिकल को ना करके आप सिंप्लेक्स को ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स दे जाएगा। ग्राफिकल में क्या है, ग्राफिकल में थोड़ा सा मतलब ग्राफ वगैरह बनाना पड़ता है, तो झंझट का काम है थोड़ा, ठीक है। सिंप्लेक्स से कर सकते हैं, इजिली हो जाएगा, ओके। तो देखो अब पहले मैंने आपको बता दिया लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन कितने तरह से कर सकते हैं, तो दो तरह से, ग्राफिकल या सिंप्लेक्स, ठीक है। अब सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं जब हम, ठीक है, तो हम सिंप्लेक्स पे फोकस करेंगे। ये प्लीज माइक ऑफ रखिए अपने सारे, ठीक है, जो भी बोलना होगा लिख देना चैट में, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, पॉप अप होके आ जाएगा मेरे पास। ठीक, हाँ, कहाँ गया, देखो सिंप्लेक्स को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं चीजें, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम दे रखी होगी उसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है दो तरह का हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम में, या तो हम किसी चीज को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है, मैक्सिमाइज वाला होगा, या फिर हम करेंगे किसी चीज को मिनिमाइज। अब जैसे अलग अलग तरह के हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे कि लेट सपोज हम प्रॉफिट की बात करेंगे जब, ठीक है, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। मिनिमाइज किसको करेंगे, कॉस्ट को करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखते हैं तो उसके अंदर हम मिनिमाइज किसको करते हैं, तो डिस्टेंस को करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दो तरह के हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। इसको नया पेज कैसे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद जैसे कि हमारे पास मान लो एक प्रॉब्लम है और उसके अंदर हमारे पास कंस्टेंट है, ठीक। अब होते हैं कंस्टेंट्स, पहला हमने समझ लिया एक होता है, पहली चीज हमने समझी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जो प्रॉब्लम दे रखी है उसके अंदर हमें क्या करना है, या तो किसी चीज को मिनिमाइज करना हो सकता है या किसी चीज को मैक्सिमाइज, ठीक है। दूसरा हमें जानना होता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्टेंट क्या होते हैं बेसिकली, जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं स्कार्सिटी के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी रिसोर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं। तो यानी कि हम जो भी चीज हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज हम टेबल और चेयर बनाते हैं, ठीक है, तो टेबल और चेयर बनाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस होंगे वो लिमिटेड है, ठीक है। तो दैट मींस हमको यहाँ पर एक ऑप्टिमम दोनों के बीच क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो
जो ऑप्टिमेलिटी हमें डिसाइड करनी है कंस्टेंट के बीच, कंस्टेंट मतलब जो हमारे को दे रखा है, जो स्कार्स रिसोर्स है हमारा, ठीक है, उसको कहते हैं कंस्टेंट। अब यहाँ पर कंस्टेंट जो है तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है, कंस्टेंट तीन तरह के होते हैं। कंस्टेंट हो सकता है मोर देन इक्वल टू, ठीक है, इसके अलावा लेस देन इक्वल टू हो सकता है, या फिर इक्वल टू हो सकता है। तीन तरह का कंस्टेंट होता है, यानी कि लेट सपोज ये टेबल और चेयर वाला एग्जाम्पल देखें, तो मान लो हमारे पास टेबल और चेयर के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, जैसे वुड चाहिए, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लेबर चाहिए, दो कंस्टेंट है लेट सपोज, ठीक है। वुड हमारे पास टोटल अवेलेबल है 200 स्क्वायर फीट, ठीक है, और लेबर के हमारे पास टोटल अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल आवर्स जो है वो 40 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम कितना भी कोशिश कर लें 200 से ज्यादा वुड यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये कंस्टेंट कौन सा बन जाएगा, तो ये कंस्टेंट बनेगा अपना लेस देन या इक्वल टू, यानी या तो हम पूरी 200 स्क्वायर फुट वुड को यूज कर लें, ठीक है, प्रोडक्शन में टेबल और चेयर के, या तो हम, या फिर हम क्या करेंगे, इससे कम करेंगे, ठीक है। ऐसी मैन आवर्स के लिए भी क्या होगा, यही वाला कंस्टेंट यूज होगा। तो यूजुअली क्या होता है, जो मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा जब, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू कंस्टेंट को लेते हैं, ठीक है। और जो मिनिमाइज केस रहेगा हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मोर देन इक्वल टू कंस्टेंट लेंगे, ठीक है। अब ये किस में दे रखा होता है, कभी कभी आपको ये दे रखा होगा, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो अब जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम लेके चलता हूँ, फिर उससे समझेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास बोला है, वही टेबल चेयर वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्सिमाइज जेड। अब लेट सपोज यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि जो पर टेबल या पर चेयर से मिलने वाला जो पैसा है वो कितना कितना है, ठीक है। लेट सपोज टेबल से मिलने वाला पैसा हमें 20 रुपीज है, ठीक है, और चेयर से मिलेगा हमें 50 रुपीज, ठीक है, यानी एक टेबल अगर सेल करेंगे तो 20 रुपए मिलते हैं, एक चेयर अगर सेल करेंगे तो 50 रुपए मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारे को कंस्टेंट दे रखे हैं, पीछे जैसे लिए थे वैसे ले लेते हैं, कि 200 स्क्वायर फुट हमारे पास वुड है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो लेबर आ रहा है, ठीक है, वो 40 है। अब इसमें टेबल भी बनानी है हमें और चेयर भी बनानी है, ठीक है। तो टेबल बनाने में मान लो एक टेबल की बात करें, अगर एक टेबल बनानी है तो उसके अंदर हमको 5 स्क्वायर फीट लग जाती है, ठीक है, यानी वुड, और चेयर बनाने में लगती है 3 स्क्वायर फुट, ठीक है। लेबर आर की बात करें तो टेबल बनाने में एक लगते हैं 3 आवर्स, ठीक है, और ये बनाने में लगते हैं 2 आवर्स लेट सपोज। अब आपको ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, आपसे बोला जाता है कि आप बताएं एक ऐसा मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन टेबल और चेयर दोनों का, कि कितने कितने यूनिट हम प्रोड्यूस करें ताकि मिलने वाला जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्रॉफिट वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहली बात क्या पता चल गई कि मैक्सिमाइज करना है किसको, प्रॉफिट को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज द जेड। अब उसके बाद हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि हमने टेबल बनानी है X1, ठीक है, और चेयर बनानी है X2, तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करेंगे जेड को, यानी कि टेबल की जो सेलिंग प्राइस है पर टेबल का वो कितना है, X1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20X1 प्लस में 50X2, ये हमारा हो गया सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, मतलब हम बना तो सब लें लेकिन हमारे कंस्टेंट्स हैं कुछ, यानी कि लिमिटेशंस है हमारे पास, ठीक है। कितनी लिमिटेशन है, कि एक टेबल बनाने के लिए 5 स्क्वायर फुट चाहिए और एक चेयर बनाने के लिए 3 स्क्वायर फुट चाहिए, ठीक है। तो वुड का कंस्टेंट कुछ इस प्रकार होगा, 5X1, यानी कि अगर हम X1 टेबल बनाते हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 3X2, यानी कि चेयर अगर X2 बना रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों में मिला के जितनी वुड यूज हो रही है वो या तो 200 होगी या 200 से कम होगी, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू 200, ठीक। ये हो गया हमारा पहला कंस्टेंट, किसका, वुड का। ऐसे ही करके हमें दे रखा लेबर का, ठीक है, लेबर के लिए कैसे लिखेंगे, तो या 3X1, यानी कि अगर एक टेबल बनाएंगे तो 3 घंटे लग रहे हैं, और इसी तरह से 2X2, यानी अगर एक चेयर बनाते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसको भी कैसे लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू कितना, 40, ओके। तो ये आपकी हो गई क्या, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने इधर लिख दिया।
हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और ये हो गए सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। अब यहाँ पर एक और चीज लिखनी पड़ती है हमें सॉल्यूशन करते वक्त, नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस, ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ये चीज वैसे ना मेरी जो YouTube चैनल है ना उस पर डाल रखी है मैंने, करवा दिया ये सारा, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे दे रहा हूँ, बाकी आप देखना चाहो तो उससे देख लेना। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या कहती है कि हमारी ये जो एक्स वन है एक्स टू है ये नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि प्रोडक्शन तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। ऐसा थोड़ी कि या तो टेबल बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना कि माइनस दो टेबल बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स वन कॉमा एक्स टू ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये जरूर लिखना, ठीक है, ये मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये हमारी अजम्पशन है एलपीपी को सॉल्व करने की, ठीक, समझ गए आप। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू सॉल्व। ये हमने फॉर्मुलेट कर ली, अब हम करेंगे सिंप्लेक्स सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसकी इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, ये जो आप देख रहे हो इनइक्वालिटी, इसको रिमूव करना है। अब यहाँ पर आप बताओ यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, किसका भी है, शिवानी स्नेहा, ओके। तो मैं बता रहा था जैसे या तो 200 यूज करेंगे या 200 से कम, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पर अगर हम कोई चीज ऐड कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, यानी हमें पता है कि या तो इससे कम होगा या तो इससे इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो चीज ऐड करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वी नीड टू ऐड। अब जो चीज ऐड कर रहे हैं उसी चीज को क्या कहते हैं हम, स्लैक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, उसी चीज को हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल, ओके। तो ये आपको मैंने बता दिया स्लैक वेरिएबल किसको कहते हैं, यानी कि वेरिएबल जो ऐड किया जाता है किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, किस लिए, इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए। और कौन सी इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, जब हमारा लेस देन इक्वल टू वाला कंस्टेंट होगा, ओके। अब देखो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यानी मैक्सिमाइज जेड, यहाँ पर मान लो हमने स्लैक वेरिएबल को एस वन और एस टू कह देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20x1 प्लस में 50x2, यहाँ पर भी ऐड करेंगे 0s1 प्लस में 0, क्योंकि इसके अंदर तो इनइक्वालिटी है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर 0s2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। अब कंस्टेंट्स के अंदर से हमें इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, तो 5x1 प्लस में 3x2, ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे फर्स्ट फर्स्ट वाली इक्वेशन में ऐड करेंगे s1, कोफिशिएंट 1 होगा जिसका, ठीक है, प्लस में यहाँ पर हमें s2 की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 0s2 होगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, ओके। नाउ 3x1 प्लस में 2x2, यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट कंस्टेंट जो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, तो यहाँ पर कॉफिशेंट हो जाएगा 0 और इस वाले का कॉफिशेंट हो जाएगा 1, ठीक है, 1s2, और ये भी इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, 40 के, ओके। अब यहाँ पर फिर से नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखना है, ठीक है, तो x1 कॉमा x2 कॉमा s1 कॉमा s2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जरूर लिखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब बेसिक आ गई, ठीक है। अब हमें अगले स्टेप में क्या लिखना पड़ता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमने दो तरह के वेरिएबल लिए यहाँ पर, ठीक है, दो तरह के वेरिएबल है हमारे पास, एक तो ये स्लैक वेरिएबल्स हैं और एक हमारे ये है, ठीक है। तो ये जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं इनको कहते हैं बेसिक वेरिएबल्स, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, या तो डिसीजन वेरिएबल्स कह लो या नॉन बेसिक वेरिएबल्स भी कहते हैं इनको, ठीक। अब जो हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, इसकी थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, आप देख लेना उधर, ठीक है, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, इसके अंदर जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है उनकी वैल्यू लेट कर लेते हैं 0, यानी x1 भी 0 कॉमा x2 भी क्या 0, और जो हमारी स्लैक वेरिएबल्स थे, ठीक है, जो बेसिक वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू क्या मान लेंगे, जो इक्वेशन की वैल्यू होगी ये 200 एंड 440, ठीक है,
S1 की वैल्यू 200 और इसकी वैल्यू S2 की 40। ओके, ये हमारा हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये भी लिखना पड़ता है हमें। अब हम बनाएंगे सीधे बेसिक सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, या इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल ये बनाएंगे अब। ओके, तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाएंगे, इधर हम लेंगे सीजे यानी कि कोफिशेंट, इधर लेंगे बेसिक वेरिएबल्स सॉल्यूशंस, ठीक है, और इधर लेंगे जो जो हमारे पास है, X1 है, X2, S1 एंड S2, ठीक है, और इधर लेंगे रेशियो। फॉर्मेट इसका वेरी कर सकता है, आपको अगर रेशियो इधर लेना है इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी से करो, ठीक है। X1 की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू जाएंगी कहाँ से, तो हमारी जो मैक्सिमाइज जेड वाली इक्वेशन है, ठीक है, उससे आएंगी। तो उसमें देख लेते हैं हमारी क्या वैल्यूज है, 20, 50, ठीक है, क्या है हमारी, इधर 20 है, 50, 0, 0, और बेसिक वेरिएबल कौन से हमारे, S1 एंड S2, इनके कॉफिशियंट जो है, ठीक है, इनके कॉफिशियंट कितने हैं, क्या है, तो 0 ही होंगे, मेन वाली इक्वेशन में देखेंगे, जेड वाली में, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये इधर 200 एंड इधर 40, ठीक। नाउ यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जो अपनी इक्वेशंस थी उन्हीं को उठा के लिख देंगे इधर, ठीक है, जैसे ये वाली इक्वेशन में कैसे है, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 0, ठीक है, दूसरी में 3, 2, 0, 1, 5, 3, 1, 0, 3, 2, 0, 1, ठीक, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करते हैं हम जेड जे, ठीक है, जेड जे क्या होता है, तो जेड जे होता है सीजे इंटू में सॉल्यूशन, सीजे इंटू में X1, ऐसे ही हम सबको इंटू करते चलेंगे। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, प्लस में इसको इससे इंटू करेंगे तो भी 0, तो 0 प्लस 0, 0, पहली बार में तो आंख बंद करके सबका वैल्यू 0 ही लिखना है इधर, 0 ही आएगा, क्योंकि कॉफिशियंट क्या है, 0 है, ठीक है। अब यहां पर निकालना होता है सीजे माइनस जेड जे, सीजे माइनस जेड जे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो कॉफिशेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूशंस के कॉफिशेंट है ये, और इसमें से जेड जे को घटाना है, ये सीजे वैल्यूज है, इनमें से जेड जे को घटाना है, ठीक है। तो 20 में से 0 गया तो 20, 50 में से 0 गया तो 50, 0 में से 0 गया 0, 0। अब क्या करना है, अब अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है की कॉलम, ठीक है, की कॉलम, और की कॉलम क्या होता है, तो की कॉलम वो नंबर है, ठीक है, जैसे अगर हमारा हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमाइज जेड था, ठीक है, तो जेड को जब मैक्सिमाइज करेंगे तो अपने को क्या ढूंढना है, मैक्सिमम पॉजिटिव सीजे माइनस जेड जे वैल्यू, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है सीजे माइनस जेड जे में, ये है। अगर यही मिनिमाइजेशन का केस होता, ठीक है, मिनिमाइजेशन का केस होता, तो हम क्या ढूंढते, मैक्सिमम नेगेटिव ढूंढते हम, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव ढूंढ रहे होते इधर। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसको ये कॉलम जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, की कॉलम है, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ता है डिपार्टिंग वेरिएबल, यानी यहां से कौन जाएगा और कौन उसकी जगह लेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो की कॉलम निकाला आपने ये, ठीक है, सॉल्यूशन को इससे डिवाइड दे देंगे, यानी इधर आएगा 200/3 और इधर आ जाएगा 40/2, ठीक, तो इनको सॉल्व करेंगे, ये रेशियो है, तो 200/3 करेंगे तो 200/3 रहने दो इसे, ठीक है, और ये 40/2 20 हो गया। अब आप अगर इसको 4 भी लेते तब भी 50 आता, ये तो 3 है, तो इसका मतलब और ज्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होता है, इन दोनों में से हम चूज करेंगे मिनिमम पॉजिटिव या लीस्ट पॉजिटिव भी कह सकते हो, ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव लेना है इन दोनों में से, तो मिनिमम पॉजिटिव कौन सा है, ये है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ, जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर वैल्यू 0 आ रही है तो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज रेशियो कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, रेशियो का भी 0 नहीं होता ना नेगेटिव होता, ठीक है, तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, डैश डाल के करने की सॉल्व जरूरत नहीं है उसे। तो यहाँ पर ये और ये की कॉलम है, ये की रो है, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि ये अपना क्या है, तो ये अपना है की एलिमेंट,
इसको कहते हैं की एलिमेंट। ठीक, ये की एलिमेंट है, और जो की एलिमेंट जिस कॉलम में लाई कर रहा है ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल, और जिस रो में लाई कर रहा है ये हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल। ओके, यानी ये छोड़ के चला जाएगा बेसिक वेरिएबल की जगह। ठीक है, ये यहाँ से गायब, ये डिपार्टिंग है, ये डिपार्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या है, एंट्रिंग है, ये एंटर करेगा उसकी जगह। ठीक है, तो अब इसके इसी के साथ हमें नई टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक, नई टेबल में क्या करेंगे, नई टेबल के अंदर हम X2 को इधर लिख देंगे। ठीक है, और X2 यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर X2 का कोफिशेंट इधर आ जाएगा। ठीक, चलो बनाते हैं CJ, बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन। ठीक है, X1 X2 S1 S2 रेशियो। तो कौन डिपार्ट कर रहा था, S2 डिपार्ट कर रहा है, S1 ऐसे ही रहेगा, S1 ऐसे रहेगा, S2 डिपार्ट करेगा, और उस S2 की जगह क्या आ रहा है, तो X2 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम X2, और X इन सबके कॉफिशेंट एज इट इज 20 50 00, 20 50 00। ठीक है, अब यहाँ पर X2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 है, X2 का कॉफिशेंट क्या है, ये रहा, ठीक है, 50। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना जरा। ठीक है, यहाँ क्या करना है, जो हमारा की कॉलम एलिमेंट था यानी ये, इसको अपने को क्या बनाना है, वन बनाना है। ठीक है, वन बनाना है, तो वन बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे। अब इस पूरी रो को ही 2 से डिवाइड दे दो। ठीक है, पूरी रो को 2 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ हमारे पास रो क्या है, 40 3 2 0 1। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 40 है, तो 40 को 2 से डिवाइड देंगे तो 20, तो 3 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1, 0 को 2 से डिवाइड देंगे 0। ठीक है, और इधर क्या था, 1, तो 1 को 2 से डिवाइड देंगे 1/2। ओके, ये आ गई आपकी वैल्यू, यानी हमें की एलिमेंट को क्या बनाना था, 1 बनाना था, जो कि हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, अब S2 के लिए न्यू वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो कैसे करते हैं, तो न्यू रो बराबर होगा ओल्ड रो माइनस में की कॉलम। हाँ, माइनस में न्यू रो, सॉरी, माइनस में इधर लेंगे न्यू रो इनटू में की कॉलम एलिमेंट। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आप न्यू रो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं एक बारी, देखो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रो क्या थी, ओल्ड रो थी 205 3 10। ठीक है, 205 3 10। ओके, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, न्यू रो, न्यू रो क्या है हमारी, 20 3/2 1 0 एंड 1/2, इनटू करेंगे किससे, की कॉलम एलिमेंट। अब की कॉलम एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, की कॉलम एलिमेंट, ये की कॉलम है, और इस रो में जो आने वाला है वो की कॉलम एलिमेंट यानी 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर बार मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आ गई न्यू रो। तो 20 दिया 60, इसमें 60 गया 140, 3 3 9, 5 2 10, 10 में से 9 गया 1, 1/2। ठीक है, 3 में से 3 गया 0। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये जो 1 था जिसको हमने 1 बनाया, इस कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, सारी वैल्यूज 0 आएंगी, इसके अलावा देखना अभी, इधर आ गया 1, और इसमें से इसको करेंगे तो ये आ गया माइनस का 3/2, इसको उठा के लिख देंगे इधर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन वाले कॉलम में 140, इधर आ गया 1/2, इधर आएगा 0 1 -3/2। फिर से वही जेड जे निकालेंगे। ठीक है, जेड जे निकालने का तरीका आपको बताया था, इसको इस सेंटू करना है, इसको इस सेंटू करना है और प्लस कर देना है। तो इसको इस सेंटू करेंगे 0, और 50 को 20 से करेंगे तो 5 दुनी 10, 1000 आ जाएगा।
इसको इससे करेंगे तो 25, 25 दिया 75, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 50 एकम 50, इसको इससे करेंगे तो 0, और इसको इससे करेंगे तो 25। आप क्या निकालेंगे, सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। तो 20 में से 75 गया, बच गया माइनस का 55। इधर 50 में से 50 गया 0, इसमें से 0, माइनस का 25। अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। कैसे, यहाँ पर आप देखोगे जब भी, अच्छा 10 मिनट में ना ये टाइम ओवर हो जाएगा, तो दोबारा कनेक्ट कर लेना, ठीक है, इसी लिंक पे। देखो इधर इधर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज क्या है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट, तो यहाँ पर सारी सारी वैल्यूज क्या है, 0 और -। जब भी हमारी सी जे माइनस जेड जीरो 0 और -, हो जाए, किस वाले केस में, नेगेटिव मैक्सिमाइजेशन के केस में, तब हम कहेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज अराइव्ड या ऑप्टेंड। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है आपका, ठीक है, जिसके अंदर X1 की वैल्यू क्या है। अब यहां पर देखो X1 है कहीं, नहीं है, तो 0। X2 की वैल्यू क्या है, 20। दैट मीन्स हमको सिर्फ क्या बनानी चाहिए, हमको सिर्फ बनानी चाहिए चेयर, वो भी 20, ठीक है। ये आंसर है, आप समझ गए होगे, ये मैंने रिवाइज करवाया बस, इसका देख इसको डिटेल में बता रखा है, ठीक है, वहां देख लेना आप। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक, ठीक, आप ध्यान से कर, आप ध्यान से समझना, कहाँ से आएगा। एक मिनट, अच्छा मैं एंड कर दे रहा हूँ, दोबारा दोबारा कनेक्ट कर लो एक बारी सब, जिस जिसको ज्वाइन करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट कर लेना, लिंक भेज रहा हूँ मैं अभी। अच्छा देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है ना, उसका सी पार्ट है, उसको पढ़ोगे तो, यार रुको मैं एक बारी ग्रुप में ही भेज दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन। देखो मैंने ग्रुप पे भेज दिया है क्वेश्चन, ठीक है, आ गया होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज डिसकंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एन अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन विच हैज रिजल्टेड इन एक्सेस कैपेसिटी। द मैनेजमेंट इज कंटेम्पलेटिंग टू यूज दिस कैपेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। उन्होंने सोचा कि 3 नए प्रोडक्ट बनाएंगे, ए बी और सी। द पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने उस समय बताया था टेबल और चेयर बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, ए बी और सी 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कह रहा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा सबसे 20 रुपये मिलेगा ए से, 6 रुपये बी से और 8 रुपये सी से। फर्दर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। अब नीचे दे रखे हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, मशीन हमारे पास 3 तरह की मशीन है, और तीनों मशीन्स के जो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है हमारे पास वो कितनी है, 250, 150, ठीक है। और इसके अलावा ए के लिए कितना यूज होगा, तो 8 मशीन आवर्स लगता है, ठीक है, बी के लिए 2 मशीन आवर लगता है, सी के लिए 3 मशीन आवर लगता है, इसी तरह से लेथ मशीन का 4 3 0 ऐसे दे रखा है, ठीक है, और ग्राइंडर का दे रखा है 2 0 1, और टोटल हमारे पास अवेलेबल है 50, ठीक। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शुरू करते हैं करना सॉल्व, ठीक है। देखो तो हम सबसे पहले लेट करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है, तो लेट X1 कॉमा X2 कॉमा X3,
आर नंबर ऑफ, मतलब इतने इतने बनाने हैं हमें, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है इसको, ए बी एंड सी टू बी प्रोड्यूस्ड पर वीक, ठीक है हर वीक हमें इतने बनाने हैं रिस्पेक्टिवली। ओके और यहाँ पर हम लिखेंगे अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना, तो मैक्सिमाइज जेड, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो 20 रुपीज मिल रहे हैं किससे, ए प्रोडक्ट से, 6 रुपीज मिल रहे हैं बी से, ठीक है, और 8 रुपीज मिल रहे हैं अपने को किससे, सी से, ठीक। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमाइज जेड लिखने का तरीका होगा, कैसे लिखेंगे, तो 20x1 प्लस में 6x2 प्लस में 8x3 प्लस ठीक, और इस ये मैक्सिमम होना चाहिए। फिर इसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, हमारे पास कंस्टेंट कितने हैं, तीन है, तीन तरह की मशीन है, तीन तरह के कंस्टेंट हो गए, तो उन तीनों को लिखेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे तो 8, 2, 3 और टोटल दे रखा है 250 पहला कंस्टेंट, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, 8 प्लस में 2 8x1 प्लस में 3x3। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको अभी पीछे कि मैक्सिमाइज जब होता है फंक्शन तो हमें किस में लिखना पड़ता है, लेस देन इक्वल टू में, और टोटल हमारे पास कितने हैं उस मशीन आर के, फर्स्ट वाली मशीन के 250, ठीक है। फर्स्ट वाली मशीन कौन सी है, मिलिंग, ये हमारी मिलिंग मशीन है, ठीक। दूसरा कंस्टेंट है हमारा 4x1 और प्लस में x2 है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, 3x2 और हमारे पास x3 नहीं है, ठीक है, x3 नहीं यूज होती मतलब, और लेस देन इक्वल टू 150, ये हमारी लेथ मशीन है, ठीक। तीसरा कंस्टेंट है हमारा 2x1 प्लस 0 प्लस, मतलब यानी कि x2 यूज नहीं होता इसमें, ठीक है, तो इस वाले को लिखो चाहे मत लिखो बराबर बात है, ठीक है, प्लस में x3 ओनली, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू कितना 50, ये हमारी ग्राइंडर वाली मशीन, ठीक, कंस्टेंट लिख दिए। अब उसके बाद मैंने बताया था नॉन नेगेटिविटी लिखनी पड़ती है, तो x1, x2, x3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिख दिया हमने नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था उसके लिए करना क्या होता है, सॉरी पहले तो इनइक्वालिटी रिमूव करेंगे इसकी, ठीक है, रिमूविंग इनइक्वालिटीज बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स, स्लैक वेरिएबल ऐड करके इनइक्वालिटी को रिमूव कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, क्या था, 20x1 प्लस में 6x2 प्लस में 8x3, ओके, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, तीन इक्वेशन है तो तीन कंडीशन लिख देंगे, मतलब तीन स्लैक वेरिएबल लिखेंगे, 0s1 0s2 और 0s3, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ठीक है, पहला क्या था 8x1 प्लस में 2x2 प्लस में 3x3, पहले वाली इक्वेशन में आता है ये फर्स्ट, और बाकी सब क्या होंगे 0, और इक्वल टू हो जाएगा किसके, 250 के, ठीक। फिर उसके बाद 4x1 प्लस में 3x2 और प्लस में, यहाँ पर ये तो था ही नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा s1, ठीक है, दूसरा वाला हो जाएगा 1 और तीसरा वाला भी 0 रहेगा, और किसके बराबर, 150। थर्ड कंस्टेंट 2x1 प्लस में x2 था नहीं तो x3 ओनली, ये वाला
जीरो ही रहेगा, दूसरा भी जीरो, तीसरा वाला हो जाएगा वन, और किसके बराबर, 50 के। अगेन नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखेंगे, एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, अब लिखेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको जीरो कर देते हैं और इन सब की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वन हमारा जीरो, एक्स टू हमारा जीरो, एक्स थ्री हमारा जीरो। ठीक है, एस वन की वैल्यू हो जाएगी 250, एस टू की वैल्यू हो जाएगी 150, एस थ्री की वैल्यू हो जाएगी 50। ओके, ये आपका हो गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब बनाएंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है और मार्क्स पूरे मिल रहे हैं इसके। ठीक है, अगर आपको आ गया सही से। अच्छा, सॉरी एंट्री नहीं मिली, 1 मिनट। क्वेश्चन आया, भेज दिया मैंने ग्रुप में। ठीक है, यहाँ भी सेंड कर सकता हूँ क्या, रुकना 1 मिनट, अगर यहाँ भी कर सकता हूँ तो यहाँ भी कर देता हूँ। रिकॉर्ड होना चाह रहा, एडमिट करना था ना किसी। ओके, देखो सीजे, ठीक है, बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन क्या क्या है हमारे पास, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, एस वन, एस टू, एस थ्री, इधर रेशियो लेंगे। ठीक, अरे कहाँ पहुंच गए, देखो पीछे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, 26800। ठीक है, 26800, इधर क्या आएगा, तो तीनों बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे, एस टू एस थ्री, इनके कोएफिशिएंट क्या है, जीरो है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में आएंगी ये वैल्यूज, ये 150, 250, 150। ठीक है, 250, 150 एंड 50, बाकी तीनों इक्वेशंस को एज इट इज लिख देंगे, 8 2 3 1 0 0। ठीक है, 8 2 3 1 0 0, अगली वाली 4 3 0 1 0। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स टू है, एक्स थ्री नहीं है, तो उसकी भी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, 150 लिख दिया, 4 3 क्या है, 0 0 1 0। ठीक है, लास्ट वाले में अपना कौन सा नहीं है, एक्स टू नहीं है, तो यानी 2 0 1, 2 0 1 0 0 1। ठीक, ये लिख दिया। अब क्या निकालना है अगले स्टेप में, अब निकालना है हमें सी जे माइनस जेड जे, सॉरी जेड जे निकालेंगे पहले। ठीक है, तो जेड जे निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे, इसको इससे, और सबको सम कर देना है, और पहली बार में मैंने बताया था सबका जीरो ही आना है, तो जीरो लिख देंगे बिना कैलकुलेट करे। फिर निकालेंगे सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, सी जे माइनस जेड जे निकालने का तरीका क्या होगा, तो इस वाले को इससे घटाना है, तो यहाँ पर आ गया 26 में से जीरो गया 6, 8 में से जीरो गया 8, 0 0 0। अब यहाँ पर क्या चूज करना है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 20 है, तो 20 के ऊपर एरो मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे इस कॉलम के वैल्यू से, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 8, फिर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 4 और 50 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आएगी लगभग 31.25। ठीक है, इधर आ जाएगी
37.5 और इधर आ जाएगी 25। तो मिनिमम लेनी होती है, इधर मैंने बताया था, तो मिनिमम ये है, तो इसके आगे एरो मार्क कर देंगे। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि 2, ये अपना क्या है, की एलिमेंट। तो यहाँ पर डिपार्टिंग वेरिएबल मतलब डिपार्ट कौन करेगा, कौन जाएगा, डिपार्टिंग वेरिएबल हमारा है, कौन है, S3, ठीक है। एंटरिंग कौन सा है, कौन एंटर करेगा, एंटरिंग वेरिएबल है अपना X1, ठीक। अब इसी के साथ हम दोबारा बनाएंगे टेबल, देखो। तो ये इटरेशन 1, अब हमारा जब तक बनाते जाएंगे जब तक ये सारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो जाए या तो जीरो हो जाए। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस CJ-ZJ वैल्यूज आर पॉजिटिव, देयरफोर वी नीड टू सॉल्व फर्दर, ठीक है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए इटरेशन 1 बनाएंगे, दोबारा से हम बनाएंगे अगली टेबल, बेसिक वेरिएबल अगेन, सॉल्यूशन X1 X2 X3 S1 S2 S3 रेशियो, ठीक। यहां पर बेसिक वेरिएबल में S1 आएगा, S2 आएगा, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा, जो हमने डिपार्ट करना है, S3 डिपार्टिंग है, X1 एंटरिंग है, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा X1। अब कोफिशियंट क्या है इनके, 0 0 एक्स, कोफिशियंट लिख देते हैं, 20 6 8 0 0, 20 6 8 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपना लक्ष्य क्या है, अगला लक्ष्य हमारा इस 2 को 1 बनाना। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, तो इन सभी वैल्यूज को 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को किससे डिवाइड दे देंगे, अपन 2 से डिवाइड दे देंगे, ओके। तो यहाँ पर करते हैं, उसको 1 बनाना है, तो इधर 50 है, 50 को भी 2 से डिवाइड देंगे तो 25, इधर 1 बन जाएगा 2 से डिवाइड देने पर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। इधर करेंगे 2 से डिवाइड, 0 1/2, 0 0 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 0 1/2, ठीक है, देन 0 0 1/2। अब न्यू वैल्यूज निकालनी है, तो न्यू वैल्यूज निकालने के लिए आप ध्यान से देखना एक बारी, ठीक है, कैसे करेंगे। देखो S1 के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, तो S1 के लिए वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रो लिखेंगे पहले। तो ओल्ड रो क्या थी हमारी, ये वाली है, ये वाली, ये ओल्ड रो है, ठीक है, 2582301 00, 2582301 00, ठीक है। फिर माइनस का निशान लगाना, सब में माइनस का निशान लगाने के बाद क्या लिखेंगे, न्यू रो, न्यू रो क्या आई है अपनी, 25 1 0 1/2 0 0 1/2, ठीक। देन इनटू करेंगे किससे, की कॉलम एलिमेंट से, की कॉलम एलिमेंट क्या है अपना, तो ये की कॉलम है और इसका एलिमेंट ये 8 है इस वाली रो के लिए, ठीक है, तो 8 से इनटू करेंगे सब, चल 8 8, ओके, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी, कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 25 8 250, ठीक है, यहाँ पर आएगी 0, यहाँ पर आ गई अपनी 2 -1 1 0 -4, ठीक, ये निकल गई किसकी वैल्यूज, S1 के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 50 0 2 -1 1 0 -4, ठीक। ऐसे निकालेंगे किसकी, S2 की वैल्यूज, S2, तो S2 का ओल्ड रो लिखेंगे पहले, ओल्ड रो क्या है, 150 4 3 0 0 1 0, 150 4 3 0 0 1 0, ठीक, यही है, 150 4 3 0 0 1 0, ओके। माइनस 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 माइनस, ठीक, क्या लिखेंगे इधर, न्यू रो, न्यू रो क्या है अपनी, 25 1 0 1/2 0 0 1/2,
इनटू करेंगे की कॉलम एलिमेंट से, ठीक है। तो की कॉलम एलिमेंट देखते हैं इस वाली रो के लिए क्या है, ये है 4, तो 4 से करेंगे इनटू सबको, 4 4। ओके, तो यहाँ पर 25 चौके 100 50 आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा आपका 3, ये आ गया 4 2 2, ठीक है। तो माइनस का 2, और इधर आ गया 0, इधर आ गया आपका 1, इधर आ गया -2। इसको लिख देंगे उठा के इधर, ठीक है। 50 0 3 -2 0 और 1 एंड -2। ओके, अब मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। ये कैलकुलेशन इच्छा है, दिखाना मत दिखाना, ठीक है। बाकी आप अगर कर कर करोगे तो सही रहेगा, गलत होने के चांसेस कम है ऐसे, ठीक है, लिख के कर लोगे तो। आप निकालेंगे यहाँ पर ZJ, ठीक है। ZJ निकालने का तरीका अगेन वही, 25 दूनी 5 50, तो 500 आ गया। यहाँ पर 20 से कम 20, यहाँ पर करेंगे तो 0, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 10, यहाँ पर आएगा 0 0, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 20 इंटू में 1/2, तो 10। यहाँ निकालेंगे CJ-ZJ, 20 में से 20 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 10 गया -2, और इधर 0 में से 0 गया 0 0 एंड -10, ठीक है। 0 में से 10 गया -10। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ठीक। अब रेशियो निकालेंगे, इसको निकाल के तो 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 3। एक्सक्यूज मी, ये जेड जे में 50 कैसे आया स्टार्टिंग में? ये जेड जे 500 आएगा, सॉरी 50 लिख दिया, 25 को इससे इंटू करेंगे ना, 20 से इसको इससे इंटू करना होता है, इसको इससे, और सबको ऐड करना होता है। तो 0 है, तो 0 ही आएगा, तो 25 दूना 50 500 आ जाएगा। इसका भी रेशियो निकालेंगे तो 25 डिवाइड बाय 0, मैंने बोला था आपसे कि 0 भी नहीं लेंगे नेगेटिव भी नहीं लेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, यानी इन दोनों में से लेना है अपने को कोई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 25। ऑब्वियसली ये 50 डिवाइड बाय 3 है, ये वैल्यू छोटी आएगी, तो इधर एरो मार देंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि 3 3 अपना की एलिमेंट हो गया, और ये हो गया अपना एंटरिंग वेरिएबल, और S2 हो गया डिपार्टिंग वेरिएबल, ठीक है। S2 डिपार्टिंग, ठीक है, और X2 एंटरिंग, ठीक है, विद 3 की एलिमेंट। चलो अब आगे चलते हैं, हमें फर्दर बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अभी भी क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास अभी भी, इसलिए बनाना पड़ रहा है, ठीक। तो इटरेशन 2 दोबारा बनाएंगे CJ। देखो क्वेश्चन लेंथी है लेकिन सिंपल है, मतलब मुश्किल नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी हाँ लेंथी तो है, X1 X2 X3, S1 S2 S3। बाकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बड़ी सिंपली रेशियो, ठीक है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर करवाया कि देखो ऐसे ही आता है, 20 6 8 0 0 0, ठीक है, 20 6 8 0 0 0। किसको किसको एंटर करना था, X2 को एंटर करना था, S2 को डिपार्ट। इधर S1 आएगा, इधर आएगा X2, और इधर X1 था ही, ठीक है। ओके हाँ ठीक। अब हमारा अगला, मैंने बताया था क्या क्या होता है हमारा लक्ष्य, क्या होता है, हमने हमें बनाना होता है इसको 1, ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे थ्रू आउट द रो, 3 से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो 3 से डिवाइड देंगे पूरी रो को, इस वाली को, तो 50 0 3 -2 0 1 -2, ठीक है। तो सेकेंड रो है ना, तो इधर आ जाएगा 50 को 3 से डिवाइड देंगे, 50/3 0, ठीक है। और इधर आ जाएगा 3 था तो 1, -2 था -2/3, इधर आएगा अपना 0, ठीक है, इधर 1/3, इधर आएगा -2/3। ओके, अब यहाँ पर न्यू न्यू वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूँ, जगह नहीं है ज़्यादा, ठीक। देखो S1 के लिए निकालनी है, इसके पहले इधर लिख दो कोफिशियंट 20, और इसका 6 और इसका 0, S1 के लिए निकाल रहे हैं पहले, ठीक है।
S1 की ओल्ड रो लिखेंगे सबसे पहले, 50 0 2 -1 1 0 -4, ठीक है। इधर लिख देते हैं 50 0 2। कोफिशिएंट गलत नहीं लिखती है, X2 का 6 है और X1 का 20। X2 का 6 और X, अच्छा, ऊपर नीचे हो गया क्या? सॉरी, X2 का क्या होता? चलो अच्छा लगता है, ऐसे बताते रह करो भाई, कहीं सो मत जाया करो, कहीं मैं सॉल्व करता रहूं और आप लोग गायब। 20, ठीक है। 50 0 2 -1 यही थी ना, 50 0 2 -1 1 0 -4, 1 0 -4, ठीक है। माइनस 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 क्या लिखेंगे? न्यू रो, 50/3 0 1, -2/3 0 1/3, ठीक है, एंड -2/3 इंटू करेंगे किससे? की कॉलम एलिमेंट से, ठीक है। की कॉलम एलिमेंट क्या है इस वाली रो के लिए? तो की कॉलम एलिमेंट है अपना 2, 2 से इंटू कर देंगे पूरी को, 2 2। सॉल्व कर लेंगे आंसर, देखो 50 × 100, 150 - 100 तो 50/3, ठीक है। और इधर 0, देन आएगा इधर 2 में से 2 गया 0, ठीक है। और इधर आएगा 1/3, 2 × 2, ठीक है, प्लस हो जाएगा, हाँ 1/3। और इधर आएगा 1 0 माइनस में, तो माइनस का 2/3, इधर आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 में से 4 गया, ठीक है, 8, तो 8/3, वो भी माइनस का। इसको लिख देंगे इधर क्या क्या है, 50/3, ठीक है, 0 0, देन 1/3 पॉजिटिव, देन 1, फिर -2/3 और -8/3, ठीक। अब निकालेंगे ऐसे ही, किसके लिए? X1 के लिए, ठीक है। X1 की ओल्ड वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, 25 1 0 1/2 0 0 1/2, 25 1, ठीक है, 0 1/2 0 0 1/2, माइनस न्यूरो, न्यूरो क्या थी अपनी? 50/3 0 1, -2/3 0 1/3, एंड -2/3 इंटू की कॉलम, ठीक। की कॉलम क्या है? ये है अपना की कॉलम, तो इसका 0 है, चलो कोई नहीं, तो 0 होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी सारी फिर तो, ठीक है, फिर तो क्या ही करना है, सारी वही वैल्यू आनी है, ठीक है। लिख देते हैं 25, और क्या है, 25 1 0 1/2, देन 0 0, और फिर से क्या है, 1/2, ठीक है। फिर निकालेंगे जेड जी, तो जेड जी निकालेंगे कैसे? इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे, तो 3 × 2 = 50, 3 × 2 = 6, और 50 × 2 = 100, और 25 × 2 = 50, तो 100 + 500 = 600, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो इधर आएगा 20, और इधर आ रहा है अपना 6 1 = 6, और इधर क्या आ रहा है, 3/2 माइनस का है और ये प्लस का है, 3 2 = 6, 2 2 = 4, -4 और 10, -4 और 10 = 6, ठीक है, 6 आएगा। और इधर आएगा अपना 0, इधर आएगा 3 2 = 6, और इधर आएगा 2 5 = 10 और 6, ठीक है, तो इधर भी आ जाएगा अपना 6, CJ - ZJ, 20 में से 20 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 0 में से 0 गया 0, -2 -6। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सॉल्व नहीं हुआ ये, तो चलो और आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो एरो मारेंगे, ठीक है।
अब क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो एरो मार दिया, अभी रेशियो निकालेंगे ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/3, 50/3 डिवाइड बाय 1/3, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो 50 ही आएगा सीधे ठीक है। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया नेगेटिव होता है तो लेते ही नहीं है ठीक है। और इधर क्या आएगा, 25/1/2, तो इधर भी आ जाएगा 50। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना ठीक है, जब भी यहाँ पर वैल्यू इक्वेट हो जाए, यानी रेशियो के कॉलम में जब भी वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, है ना, टाई हो जाए, इसको कहते हैं टाई। तो रेशियो की वैल्यू जब भी टाई होती है तब हमें क्या करना होता है, कुछ खास नहीं करना पड़ता, कोई सी भी वैल्यू ले लो ठीक है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही आएगा। यानी हमारा जो इधर जो मैक्सिमम जेड की वैल्यू आ रही है, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे ये लेके करो चाहे ये लेके करो। हाँ, लेकिन इस केस को कहा जाता है, एक स्पेशल केस है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं भैया डी जनरेसी, इसी को डी जनरेसी कहते हैं। मतलब अगर हम ये लेके करें तब भी वही आएगा, ये लेके करें तब भी वही आएगा, और घूम फिर के क्या होगा, वही आंसर पे पहुंच जाएंगे हम, यानी डी जनरेट होता रहता है सोल्यूशन ठीक है। और डी जनरेसी में क्या होता है, कई बार सेम सोल्यूशन आने की वजह से हम ना जहां से शुरू करते हैं, जैसे इस टेबल से शुरू करा था हमने, ये मैच हो रहे थे यहाँ पे, दोबारा यहीं पहुंच जाएंगे, तो इस चीज को हम साइकिलिंग भी कहते हैं ठीक है। ये साइकिलिंग है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, और डी जनरेसी तो इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो डी जनरेसी का केस बन गया ये, अब हम किसी को भी ले सकते हैं ठीक है। मान लो मैंने इसको ले लिया, ओके इसको ले रहा हूं मैं, अब तो इसको ले रहा हूं, तो यहाँ पर ये 1/2 क्या हो गया मेरा, 1/2 हो गया की कॉलम एलिमेंट ठीक है। और ये हो गया अपना X3, X3 क्या है, एंटरिंग, और X1 क्या है, डिपार्टिंग, यानी X1 चला जाएगा X3 आ जाएगा ठीक है। चलो अगली टेबल दोबारा बनाते हैं, चलो टेबल बनाएंगे, इटरेशन कौन सी है, ये इटरेशन नंबर 3, थर्ड टेबल है दोबारा, CJ ठीक है, बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन X1 X2 X3 एक्स सॉरी S1 S2 S3 रेशियो। क्या क्या वैल्यूज है, 20/6/8/0/0/0, 20/6/8/0/0/0 ठीक है। कौन डिपार्ट कर रहा था, S1 X2, और इसकी जगह आ रहा है S3, S1 X2 एंड इधर X3, इसकी 0, X2 की वैल्यू 6, X3 की वैल्यू 8 ठीक है। अगला काम क्या है अपना, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए 1/2 से डिवाइड देंगे, पूरी रो को 1/2 से डिवाइड देंगे, तो 25 को 1/2 से डिवाइड देंगे ठीक है, 25 को 1/2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 50, 25/1/2 हाँ ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इधर आ जाएगा अपना 1/2, 2 आ जाएगा ठीक है, 1/1/2 करेंगे 2 आएगा, 0 इधर आएगा अपना, 1 0 इधर क्या था, 0/1/2 ठीक है, तो इधर 1 0 और 0 और इधर 1 फिर से ठीक। आप सबको चेंज करना है, तो यहीं पे थोड़ा मुश्किल टास्क होता है बस यही कैलकुलेशन ठीक है, बाकी तो सिंपल ही है। इधर कैलकुलेट कर देते हैं, पूरी लाइन मिल गई, तो देखो सबसे पहले S1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड रो याद कर लेते हैं, 50/3, 0/0, 1/3, 1 -2/3 ठीक है, क्या है 50/3, 0/0, 1/3 ठीक है, 1 फिर क्या है, -2/3, -2/3, -8/3, माइनस 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 ठीक, कितनी वैल्यूज हो गई, 7 हो गई क्या, हाँ सही है। देखो क्या करना है, न्यूरो, न्यूरो क्या है, 50/2, देन 0/1/0/0/1
ठीक है, इनटू, इससे इनटू करना होता है की कॉलम एलिमेंट। की कॉलम एलिमेंट क्या है इस वाले के लिए, ये 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3, 1/3, सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख के करोगे तो ही बेटर है, गलत होने के कम चांसेस होंगे। 50/3 में से 50/3 गया 0, इधर आएगा -2/3, इधर 0 ही आएगा, ठीक है, देन आएगा इधर 1/3 में से 1/3 गया 0, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस में 0 हो जाएगा ये, तो ठीक है 1 ही आएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 1/3 माइनस करना है -2/3 में से, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, 0 था इधर 1 था, 0 1 0 0, ठीक है हाँ, तो ये आ जाएगा अपना -2/3, और इसको इससे करेंगे तो 1/3 माइनस करना है, तो माइनस का 3 आएगा, हाँ 1/3 है ये भी, ठीक है, तो इसको एक उठा के इधर लिख देते हैं एक बारी। S1 के लिए 0 -2/3, देन 0 0 1, और S2 के लिए क्या वैल्यू है, -2/3, और इधर है अपना -3, ठीक ऐसे निकालेंगे X2 के लिए। इसको रफ कर देता हूँ, इसके लिए निकालने X2, ठीक है, X2 की ओल्ड वैल्यूज देखते हैं, 50/3, 0 1, -2/3, 0 1/3, ठीक है लिख लेते हैं पहले आधी, 50/3, 0 1, -2/3, देन क्या है, 0 1/3, -2/3, 0 1/3, -2/3, माइनस 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 माइनस, न्यूरो 50/2, सॉरी 20 नहीं, 2, 2, 0 1, 0 0 1, इनटू